किसी भी देश का भविष्य उसकी युवा शक्ति पर निर्भर करता है। भारत में युवाओं की संख्या दुनिया भर में सबसे ज्यादा है। ये युवा एक संभावित ताकत है जो हमारे देश के विकास में गहरा परिवर्तन ला सकता है। नई मंजिल एक ऐसी स्कीम है जो आज समूचे भारत में युवाओं की महत्वाकांक्षाओं को पंख दे रहा है। शुरुआती स्कूल लीवर अल्पसंख्यक युवाओं के लिए ये योजना कौशल विकास के साथ शिक्षा को जोड़ती है। विश्व बैंक के साथ साझेदारी में 2015 में शुरू की गई नई मंजिल योजना को 5 साल के लिए 650 करोड़ की राशि आवंटित की गई, जिससे सभी 6 अल्पसंख्यक समुदायों मुस्लिम, सिख, ईसाई, जैन, बौद्ध और पारसी में 17 से 35 वर्ष के बीच ड्रॉपआउट युवाओं के लिए शैक्षिक और कौशल विकास के अवसर पैदा हुए। नई मंजिल के माध्यम से उनको अपनी शिक्षा और आजीविका को पूरा करने का अधिकार मिला, जो उन्हें बेहतर जीवन का अवसर प्रदान करेगा। हमारा नाम अमनदीप कौर जी, हम टवाने दे रहने वाले हैं। मेरे को ये आगे पता चला कि ये नई मंजिल का एक मौका मिल रहा है। मैंने हमारे गांव में आए और मेरे को पता चला ये फार्म हम 10th क्लियर के मतलब कर सकती हूँ। मैंने जहाँ पर नई मंजिल के फार्म भरे और मैंने जहाँ पर 10th क्लियर कर लीजिए, मेरे को एक नई मंजिल का एक मौका मिला है। नई मंजिल के अंतर्गत ओपन बेसिक एजुकेशन के स्तर सी पाठ्यक्रम भी प्रदान किया जाता है, जो 8वीं कक्षा या माध्यमिक परीक्षा कार्यक्रम के बराबर है। मेरा नाम गुरमिंदर सिंह है जी, मैं लकड़ाई तो बिलोंग करता हूँ जी, सिरसा डिस्ट्रिक्ट है मेरा। मैंने 10th तक पढ़ाई की हुई है जी और आगे मेरा इंजीनियर बनने का सपना है जी। जी मेरा नाम इमरान अली है, मैं गांव मैना खेड़ा से हूँ। मेरा सपना था एक वेब डिज़ाइनर बनने का, लेकिन किसी वजह से वो पूरा नहीं हो पाया। स्टार्टिंग से ही मुझे कंप्यूटर के अंदर बहुत इंटरेस्ट था और वही मुझे नई मंजिल के अंदर जो कोर्सेज प्रोवाइड किए गए उसके अंदर डोमेस्टिक डाटा एंट्री ऑपरेटर का एक कोर्स था, जिसके अंदर मैंने एडमिशन लिया। मंत्रालय की ओर से नई मंजिल को लागू करते हैं पूरे भारत में 87 प्रोजेक्ट इम्प्लीमेंटिंग एजेंसी या PIA, जो परिधान, इलेक्ट्रिशियन, ऑटोमोटिव इंजीनियरिंग, IT और GDA जैसे क्षेत्रों में कौशल विकास प्रशिक्षण प्रदान करते हैं। पहले तो हमें 10th का सर्टिफिकेट मिला जी, उसके बाद फिर जहाँ से हमने ये डिप्लोमा इलेक्ट्रिशियन का अप्लाई कर दिया, जहाँ पे बहुत अच्छा है जी, फैसिलिटी मिलती है, इसलिए कोई भी सर है बहुत अच्छा पढ़ाते हैं हमें जी, वधिया प्रोवाइड करते हैं हमें जी। प्रशिक्षण के दौरान लाभार्थियों को नियमित स्कॉलरशिप के माध्यम से वित्तीय सहायता भी प्रदान की जाती है। नई मंजिल में सबसे पहले तो जो कोर्स है जो 10वीं में करवाई गई वो बिल्कुल निशुल्क थी, हमारा मतलब कोई चार्जेस इसमें नहीं लगा। सबसे बड़ी बात तो यही है कि हमारे ऊपर किसी तरह का कोई बोझ नहीं आया, जिस वजह से पहले हम कंप्लीट नहीं कर पाए थे वो इशू अब नहीं रहा। और उसके बाद भी स्टाइफंड भी हमें मिला है, जिससे जो आने जाने का खर्चा था उसका भी हमारे ऊपर कोई बोझ नहीं रहा। पिछले 4 वर्षों में इस कार्यक्रम ने कई अल्पसंख्यक युवाओं के जीवन को बदल डाला है। 49,751 महिला शिक्षार्थी ने नामांकन किया। ओपन बेसिक एजुकेशन में 28,287 शिक्षार्थियों ने दाखिला लिया। माध्यमिक शिक्षा में 67,679 शिक्षार्थी शामिल हुए। 42,522 शिक्षार्थी प्रशिक्षित और प्रमाणित हुए। 13,574 लाभार्थियों को रोजगार मिला। जहाँ पर हमारे कोर्सिंग चल रहे हैं, हम कोर्स बुटीक का कर रहे हैं, मेरे को बहुत शौक था कि मैं सिलाई करूं और आगे बुटीक का या सिलाई सेंटर खोल सकूं। मेरे को ये बहुत शौक है कि मैं आगे लड़कियों को सिखा सकूं। नई मंजिल के हम बहुत बहुत का धन्यवाद करते हैं कि हमको इसके 10वीं क्लियर कराई और आगे सुविधा दी। यहाँ पर हम बहुत काम कर रहे हैं, अच्छा सा बहुत बढ़िया सिलाई बुटीक अच्छा सा काम कर रहे हैं। पिछले 4 वर्षों में 95,000 से अधिक लाभार्थियों ने नई मंजिल से प्रशिक्षण प्राप्त किया है। जो भी बड़ी बड़ी IT कंपनी है उनके अंदर मैं जॉब कर पाऊंगा और जैसे कि सारी ट्रेनिंग हमें यहाँ मिली गई है तो उसके बाद मुझे कोई ज़्यादा दिक्कत नहीं होगी। जहाँ पे कंपनी आती रहती है जी, कोई ना कोई इंटरव्यू होता रहता है जी, यदि मुझे नौकरी मिली तो ठीक है, नहीं मैं अपना आपका खुद का बिजनेस भी कर सकता हूँ कुछ भी, इससे मेरी फैमिली बेस्ट रहेगी, बढ़िया रहेगी जी कुछ ऐसा भी। अब मेरी जॉब लग गई, मुझे बहुत अच्छा लगा कि अब मुझे घर चलाने के लिए जॉब मिल गई। यह कार्यक्रम आशा की एक चिंगारी है जो उनके जीवन को रोशन कर रही है, उनके व्यक्तित्व को बदल रही है और उन्हें एक बेहतर भविष्य की ओर बढ़ा रही है।